हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष नामदेव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनीष क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट से है। तो यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको आप बड़ी ही बारीकी से समझिएगा। अगर आप इसके फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं तो इसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। वैसे ये एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम और क्लास 11th 12th सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हृदय यानी कि हार्ट, वैसे तो यह एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि कह सकते हैं कि एक पेशीय ऑर्गन है। इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, एक ऐसा अंग है जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, यानी मसल का होता है, यानी कि पेशीय युक्त होता है, जो कि एक अनैच्छिक पेशी है। अनैच्छिक का मतलब होता है जो कि अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है। अपन सोचें कि इसको थोड़ा सा अपन रोक ले तो इसकी धड़कन रुक जाती है, इसका वाइब्रेशन जो है वो रुक जाता है, नहीं रुकता है, यानी कि यह एक अनैच्छिक है, अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है। अगर अपन बात करते हैं जैसे कि अपने कोई आंख पर कोई ऐसा बार करे तो अपनी जो पलक है वो बंद हो जाती है, तो यह भी एक क्या है, अनैच्छिक पेशी है। ऐच्छिक पेशी वो है जो कि अपने अनुसार कार्य करे। जैसे मैं कहता हूं कि मैं बोलना बंद कर दूं तो मैं बोलना बंद कर सकता हूं, तो यह कैसी है, ऐच्छिक पेशी है। जबकि हृदय यानी कि हार्ट कैसी है, अनैच्छिक पेशी है। हार्ट जो है एक होम है, और एक होम में बहुत सारे क्या होते हैं, कमरे या कह सकते हैं कि रूम होते हैं। जैसे कि कैसे आपको एक बार बताता हूं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, हार्ट है। इस हार्ट में क्या है, कमरे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए इस हार्ट में 1 2 3 4 चार क्या है, कमरे हैं। इन कमरों को कक्ष बोलते हैं या चैम्बर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चैम्बर। ये क्या है, हार्ट है, इसमें चार क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं। अब इनमें देखिएगा, जो चैम्बर यानी कि जो ऊपर वाले हैं, अपर वाले चैम्बर हैं, उनको अपन कहते हैं क्या, अलेंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एट्रियम। जबकि जो नीचे वाले कमरे हैं इसको कहते हैं अपन का वेंट्रिकल यानी कि नलाय। अब जो अलिंद है यानी जो ऊपर वाले जो हैं उसको कहते हैं अलिंद यानी एट्रियम। इनका क्या काम होता है, तो इनका काम होता है ब्लड को रिसीव करना। क्या होता है, ब्लड को ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जबकि बात करते हैं नला यानी कि वेंट्रिकल की, तो उसका काम होता है पंप करना। जैसे कि ब्लड जो नीचे आया तो उसको पंप करेगा, ऊपर फेंकेगा। पंप करने का काम क्या होता है, नला यानी कि वेंट्रिकल का। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि यह एक कमरा है, सॉरी यह एक क्या है, घर है। इसमें चार कमरे होते हैं, ऊपर वाले कमरों को अलिंद यानी एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले कमरों को वेंट्रिकल यानी कि नलाय कहते हैं। अब देखिएगा, अलिंद और नलायों की संख्या, तो जैसे कि जो मछली होती है उसमें जो मछली होती है उनके हार्ट में केवल दो चैम्बर होते हैं, ऊपर वाला चैम्बर और नीचे वाला, निचले वाला चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलेंगे, एट्रियम यानी कि अलिंद, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, नलाय। तो इसमें केवल जो चैम्बर है वो केवल दो ही होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, यानी कि केवल एक अलिंद और एक नलाय होता है बस। बात करते हैं उभयचर और सरीसृप वाले की, तो उसमें क्या होता है, इसमें ऊपर वाले जो चैम्बर है वो दो होते हैं और नीचे वाले में एक चैम्बर होता है, यानी कि कुल उभयचर या सरीसृप के हार्ट के बारे में बात करें तो तीन चैम्बर होते हैं, दो चैम्बर ऊपर वाले यानी कि इसमें दो अलिंद पाए जाते हैं और एक नलाय पाया जाता है, जैसा आप देख भी रहे हैं। और स्तनधारी या पक्षी वगैरह में क्या होता है, तो इसमें चार चैम्बर होते हैं, और मानव भी इसी में आते हैं, मानव के जो हृदय है उसमें भी चार चैम्बर होते हैं। तो दो अलिंद ऊपर वाले को क्या कहेंगे, एट्रियम यानी अलिंद, नीचे वाले को नलाय यानी कि वेंट्रिकल। तो दो इसमें एट्रियम और दो क्या पाए जाते हैं, नलाय यानी कि वेंट्रिकल पाए जाते हैं। अब देखिएगा, तो हार्ट के बारे में आप इतना समझ चुके हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको आप बहुत ही बारीकी से समझिएगा। अगर आप इसके फिगर को समझ जाएंगे तो यह बहुत ही सरल है। चलिए अब देखते हैं इसके फिगर के बारे में, तो इसकी फिगर के साथ साथ अपन समझेंगे इसकी क्रियाविधि को कि यह कैसे कार्य करता है। चलिए देखिएगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हार्ट है वो 300 से 350 ग्राम का होता है, एक 300 या 350 ग्राम का, कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है। और जो हार्ट है वो हमें वो अपने फेफड़ों के अंदर पाया जाता है और थोड़ा सा लेफ्ट में होता है, वैसे तो वो बीचों बीच ही होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा जो तिकोना भाग है यानी जो निचला भाग है वो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है। इसलिए कहते हैं कि हार्ट का जो मानव हृदय में कहाँ पाया जाता है, तो थोड़ा लेफ्ट फेफड़ों में पाया जाता है, ठीक है, देखे ना, लेफ्ट लंग्स में पाया जाता है, ध्यान करना थोड़ा सा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जो क्रिश्चियन वर्लार्ड, जो एक वैज्ञानिक है क्रिश्चियन वर्लार्ड, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले हृदय यानी कि हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन किया था, यानी कि एक जगह से हार्ट उठाकर दूसरी जगह लगाया था। जैसे कि किसी का हार्ट खराब हो जाता है तो उसको हार्ट को हटा के दूसरे का हार्ट लगाना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, जो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, क्रिश्चियन वर्लार्ड ने। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसकी क्रियाविधि के बारे में, सबसे पहले आप इसकी फिगर के बारे में देख लीजिएगा, अगर आप इसकी फिगर को देख लेंगे तो सब कुछ आ जाएगा आपको। देखिएगा, हार्ट में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट क्या है, एक होम है,
होम में चार क्या होते हैं, रूम यानी कि कक्ष होते हैं, जिसको अपन चैम्बर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, चार चैम्बर होते हैं। तो मानव में भी चार चैम्बर होते हैं, देखो ये ऊपर वाले दो और ये निचले वाले दो, चार चैम्बर होते हैं, कुल चार चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, जो ऊपर वाले चैम्बर है उसको क्या कहेंगे, एट्रियम यानी अलिंद, नीचे वाले को नला यानी कि वेंट्रिकल। अब देखिएगा यहाँ, तो जैसे कि अब यहाँ पे जो होगा कि ये आपको दिख रही होगी, पहले मैं आपको केवल दिखा देता हूं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिर इसके क्रियाविधि के बारे में बताएंगे, ठीक है। देखिएगा, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये है वेनागवा, वेनागवा यानी कि इसको कहते हैं महासिरा, क्या कहते हैं इसे, महासिरा। ये जो आपको दिख रही होगी यहां से और यहां से क्या ले जा रही है, ब्लड ले जा रही है, तो इसको कहते हैं क्या, वेनागवा यानी कि महासिरा। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि वेनागवा से क्या होगा, ब्लड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ब्लड यहां से आया, जी काय में आ गया अपना, जी कौन सा है, देखो इस वाले भाग को क्या कहेंगे, जो साइड है उसको राइट, उसको क्या कहेंगे, लेफ्ट। तो जी राइट काय में आ गया, अलिंद में आ गया, यानी कि दाया अलिंद में क्या आ गया, वेनागवा से या महासिरा से ब्लड आया। और यहां से ब्लड आते आते कहां पहुंचा, ये क्या है, एक बाल्ब है, क्या है, बाल्ब है। जो बाल्ब यानी कि बाल्ब किस लिए होता है, जैसे आपने नल में देखा होगा, तो बाल्ब क्या होता है, जैसे कि पानी को खींच लेता है, फिर पानी को थोड़ी ना जाने देता है, नहीं जाने देता ना, तो बल्ब उसके लिए होते हैं जहां से केवल एक साइड से प्रेशर, मतलब है कोई चीज जाए दोबारा उससे आ ना पाए, इसलिए तो बल्ब होते हैं, होते हैं कि नहीं। जैसे कि अपन गेट को देखिएगा, गेट जो घर के दरवाजे होते हैं केवल एक ही साइड खुलते हैं, अपन उनको सोचे अंदर की साइड खुलते हैं तो अंदर ही को खुलते हैं, बाहर को खोलें तो खुल जाएंगे क्या, नहीं खुलते हैं। तो वो ये कि बल्ब जो है केवल एक चीज के लिए होते हैं, कि एक बार रिसीव मतलब या जाएगा या फिर आएगा, दोनों नहीं होते हैं कि आना जाना लगे रहे। तो बल्ब इसलिए होते हैं कि एक बार जाएगा एक बार बस। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मान लो जो ब्लड अपना यहाँ से गया, यानी इस वाले बाल्ब को क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिएगा, इस वाले बाल्ब को कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं इसे। तो जैसे कि ब्लड जो अपना वेनागवा से नीचे जाएगा, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इस बल्ब से होके जाएगा बाइकस्पिड वाल्व से। अब बाइकस्पिड वाल्व से होके जाएगा, तो अब इसको क्या होता है, जैसे देखो ये क्या है अलिंद, तो इसको क्या होता है, रिसीव करना। अभी मैंने बताया ना कि अलिंद यानी एट्रियम का काम होता है केवल रिसीव करना, तो इसने क्या किया, वेनागवा से ब्लड को रिसीव किया अलिंद ने। अब ये जाएगा कहां पे, ब्लड नलाई के पास जाएगा, तो नलाई का काम क्या होता है, पंप करना, क्या होता है, पंप करना। तो इसने इसको पंप किया। अब जैसे इसको पंप किया, तो ये जो वाल्व है बाइकस्पिड वाल्व, तो ये तो बंद हो जाएगा ना, जैसे यहां से ब्लड आया, अगर अब यहां से मान लो अगर इसको पंप करेगा तो इसमें नहीं चला जाएगा, वो चला जाएगा ना कहीं, ब्लड यहां से आया और यहीं पे चला जाएगा, पंप करेंगे तो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बल्ब लगाया जाता है, बाइकस्पिड बल्ब इसका नाम होता है, बाइकस्पिड बल्ब। तो यहाँ पे बल्ब लगा है, अब यहां से जो पंप होगा तो ये तो बंद हो जाएगा, जैसे कि ये है दरवाजा, ये दरवाजा है ऐसा ही खुलता है केवल, अब ऊपर से प्रेशर घलेगा तो ऐसा बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सेम ऐसा ही होता है इसमें। अब यहां से जब इसने पंप किया तो ये तो बंद हो गया, अब ये वॉल्व है, ये कौन सा वॉल्व है, तो आपको दिख रहा होगा ये वॉल्व है पल्मोनरी, पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। इसमें क्या होता है, जैसे पंप करेगा तो इसमें क्या है, ये जो वॉल्व है ऐसा है, ये ऐसा खुल जाएगा, जैसे ब्लड जाएगा तो खुल जाएगा और इसमें अंदर चला जाएगा। अब वॉल्व देखा, इसमें वॉल्व लगाने की क्या जरूरत थी, नहीं लगाते, इसमें इसलिए जरूरत है क्योंकि ब्लड एक बार पंप करने से ऊपर गया, अब वापस वो नीचे ना आ जाए, इसलिए वॉल्व लगा दिया यहाँ पे। वॉल्व क्या होता है, एक बार रिसीव जैसे मान लो जाएगा और वापस नहीं आ पाएगा ना वो, तो यहाँ पे इसलिए क्या लगा, वॉल्व लगा। इस वॉल्व को कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है ना, क्योंकि यह फुसफुस पल्मोनरी वॉल्व। अब यहाँ पे देखिएगा, तो जैसे ही ये ब्लड यहाँ पे मतलब ब्लड यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी क्या है, यानी कि इसको अपन हिंदी में कह सकते हैं तो फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी। वैसे धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन ये पल्मोनरी धमनी है, धमनी। तो ब्लड यहाँ से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, अब यहाँ से ब्लड जाएगा तो फुसफुस यानी कि पल्मोनरी है ना, तो यानी कि फुसफुस, यानी कि फुसफुस क्या होते हैं, फेफड़े, फुसफुस आवाज करते हैं जो, तो यानी कि जो जो नली दिख रही है आपको, इसको कहते हैं क्या, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जाएगी अपनी किसके पास, फेफड़ों के पास, लंग्स के पास। अब लंग्स के पास इस ब्लड को ले जाएगी, अब लंग्स पे क्या आता है, फेफड़ों में क्या आती है, ऑक्सीजन आती है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस ब्लड को शुद्ध कर देगी। ये सब जो आपको जो नीले नीले डार्क दिखा रहे हैं, जो आपको जो एरो दिखा रहे हैं नीले वाले, ये शुद्ध रुधिर है जो अपनी बॉडी में से आता है वेनागवा के द्वारा, और यहां से आपको दिख रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच जाता है, और यहां से वो जाता है कहां पे, फेफड़ों में, जहां से आती है अपनी ऑक्सीजन यानी O2। अब वहां से क्या होगा कि इस ब्लड को क्या कर देती है, वो शुद्ध कर देता है। इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, यानी ये रुधिर कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। अब यहां पे देखिएगा पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स का मतलब होता है फुसफुस सिराएं, फुसफुस सिराएं। वैसे सिरा का काम होता है अशुद्ध रुधिर को ले जाना, अशुद्ध रुधिर बहता है ना,
स्रावों में, लेकिन पल्मोनरी लग गया है। जहां पे पल्मोनरी दिखेगा आपको समझ लीजिए ये है क्या है, अपवाद है। अब पल्मोनरी वीन्स में से क्या आएगा, ब्लड आएगा, शुद्ध रुधिर हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हमने रेड एरो से दिखाया है, तो पल्मोनरी वीन्स से जैसे ब्लड आएगा तो यहाँ पे ब्लड जैसे यहाँ पे आया, कहाँ पे आया, लेफ्ट वाली किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि बाएं अलिंद में क्या आ गया, अपना शुद्ध रुधिर आ गया। अब यहां से दिखना यहाँ पे भी क्या है जी, बाल्ब लगा है, क्या लगा है, बाल्ब लगा है। अब ब्लड यहां से आएगा तो इस बाल्ब में से होकर जाएगा, इस बाल्ब को कहते हैं ट्राइकस्पिड बाल्ब, ट्राइकस्पिड बाल्ब, इसको कहते हैं बाइकस्पिड बाल्ब, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड बाल्ब, याद रखिएगा ट्राइकस्पिड बाल्ब। तो अब यहां से ब्लड आएगा और यहां से फिर जब वो कहां पहुंच जाएगा, निचली वाली में, क्या कह सकते हैं कि किसमें पहुंचेगा, नीला में पहुंचेगा, कौन सी वाली, लेफ्ट नीला, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। तो यहां से क्या करेगा, ये पंप करेगा, जब पंप करेगा तो पंप करते हुए यहां से देखिएगा, यहां पे लिखा है एरोटा, देखो यहां पे दिख रहा है ना ये एरोटा, ये एरोटा क्या है, नस है, यानी कि कह सकते हैं कि नली है। और यहां पे जो वॉल्व है इसको कहते हैं एरोटिक वॉल्व, एरोटा से क्या हो गया, एरोटिक वॉल्व। तो जैसे ही ये पंप करेगा तो एरोटिक वॉल्व से जो अपना शुद्ध रुधिर है वो जाएगा, और जाते हुए यहां से देखिए यहां से निकल जाएगा, और यहां से ये कहां पे फ्लो कर देगा, पूरी बॉडी में फ्लो कर देगा। तो यहां से देखिएगा ये पूरी बॉडी में से फ्लो होकर घूम के आता है, और यहां से फिर प्रवेश कर जाता है, इसकी यही क्रियाविधि चलती रहती है। ये तो केवल एक बेसिक के रूप में बताया, अब थोड़ा डीप अध्ययन करिएगा इसका। तो इसमें देखिएगा अपन को देखते हैं कि एक हृदय यानी कि हार्ट में कितने होते हैं, चार वाल्व होते हैं, एक दो तीन चार। जो वाला ये देखिएगा यहाँ पे जो अपने राइट वाले में, राइट वाले अलिंद में है, उसको कहते हैं क्या, बाइकस्पिड वाल्व। और इसके बाद जो यहाँ पे फुसफुस वाले मतलब जो फुसफुस नली है, फुसफुस धमनी है, उसमें जो वाल्व है उसको क्या कहेंगे, फुसफुस वाल्व, यानी कि पल्मोनरी वाल्व। और जो एरोटिक वाल्व है यानी अरोटा यानी महाधमनी, अरोटा को क्या कहते हैं, महाधमनी, महाधमनी। तो महाधमनी में से क्या जाएगा, वॉल्व जो है, जैसे महाधमनी में से ब्लड निकलेगा तो महाधमनी में से ब्लड जाएगा जैसे, तो इसको कहते हैं अरोटा से यानी कि एरोटिक वाल्व। और इसको क्या कहेंगे अपन, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व। ये केवल एक बेसिक के रूप में बताया, अब इसको थोड़ा अध्ययन अच्छे से देखिएगा। अच्छा एक चीज और, जब जैसे जो वॉल्व होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं तो हमें एक आवाज आती है लब डब वाली, जैसे कि मान लो कोई भी वॉल्व है वो बंद होगा खुलेगा, बंद होगा खुलेगा, एक आवाज आएगी कि नहीं आएगी, तो उसमें जो आवाज आती है वो होती है लब डब वाली। डॉक्टर इसी आवाज को चेक करते हैं कि आपके जो सीने पर लगा के जो स्टेथोस्कोप यानी कि जो आला होता है, इसी को चेक करते हैं कि आपकी जो हृदय की धड़कन है वो बराबर आ रही है कि नहीं। तो आप याद रखिएगा कि जो लब डब की आवाज है वो कहां आती है, तो जो वॉल्व है उसके खुलने और बंद होने से आती है। जैसे कि जो एक हृदय है, हृदय इसको कहते हैं कार्डियम, कार्डियम इसको कहते हैं, ठीक है। और ये आपको जो लेयर दिख रही होगी यहाँ पे देखिएगा, इसकी जो मतलब है लेयर है वो बहुत कम है, इसकी थोड़ी ज्यादा मोटी है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसकी मोटी क्यों है, यहाँ पे बहुत पतली पतली है, क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि जो रिसीव करने का काम है, जैसे कि जो अलिंद ऊपर होते हैं उनको रिसीव करने का काम है, तो उसमें कहां से दिक्कत होगी, नहीं होगी ना, तो ये पतली बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं। इनको तो पंप करना है ना, तो पंप करने में ज्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए इनकी भित्ति जो है मोटी होती है, क्या होती है, मोटी होती है, और इन भित्तियों को कहते हैं कार्डियम। तो देखिए सबसे अंदर वाली जो भित्ति है इसको क्या कहते हैं, एपिकार्डियम, सॉरी जो सबसे अंदर वाली भित्ति है इसको कहते हैं एंडोकार्डियम, क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। और जो मध्य वाली है इसको कहते हैं मीजोकार्डियम, मीजोकार्डियम। और जो सबसे बाहरी है इसको कहते हैं एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। तो इसकी ये सब क्या है, भित्तियों के नाम है। अब यहां पे अच्छे से अध्ययन करिएगा आप, ब्लड का हो गया, देखिए ब्लड कहाँ है, वेनागावा यानी कि महाशिरासे अंदर आए, तो ये क्या है वेनागावा, यहां से क्या आता है ब्लड अंदर आता है, यहां से क्या आता है, यहां से ब्लड अंदर आता है। और ये नीलो एरो जो आपको ये नीले नीले ब्लू कलर के एरो दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये अशुद्ध रुधिर है। अशुद्ध का मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि आप सोचते हैं गंदा पानी, वैसा नहीं है, बिना ऑक्सीजन के है ये, अगर इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। वैसा नहीं है आप सोच रहे होंगे इसमें बहुत कचड़ा मचड़ा भरा है तो इसलिए यह अशुद्ध है, ऐसा नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला है। तो यहां से ये वेनाकावा के द्वारा अंदर आएगा, यानी महाशिरा के द्वारा अंदर आएगा। एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये क्या है, सिरा है, महाशिरा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो सिराएं हैं वो कहलाती हैं अशुद्ध रुधिर को लाती हैं, और जो धमनियां होती हैं वो कहलाती हैं शुद्ध रुधिर को लाती हैं। अब जो देखिए ना, लेकिन इसमें एक शब्द जुड़ाता है पल्मोनरी, जैसे कि जो सिरा है वो तो अशुद्ध को लाती है, लेकिन अगर इसमें शब्द जुड़ जाए पल्मोनरी तो इसको मतलब होता है कि ये उल्टा काम करने लगती है। सिरा का काम होता है अशुद्ध रुधिर लाना, लेकिन पल्मोनरी सिरा का काम होता है शुद्ध रुधिर लाना। तो जहां पे पल्मोनरी लग जाए तो समझ लीजिएगा उल्टा काम हो जाता है। जैसे धमनी है
धमनी क्या करती है, सुदूर उधर को लाती है, लेकिन पल्मोनरी धमनी जो है असुदूर उधर को लाती है, यानी एक यह अपवाद है। अगर पल्मोनरी आपको लग जाए यहाँ पे पल्मोनरी शब्द तो उल्टा काम करने लगती है। तो जैसे कि देखिए महासारा के द्वारा असुदूर उधर को लाएगी, असुदूर उधर लाएगी कहाँ पे, अपने जो मतलब है दाया अलिंद में, यानी कि राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से होती हुई जाएगी कहां से, बाइक स्पिट बल्ब से, और जाए अपने आ जाएगी ये कहां पे, राइट वेंट्रिकल में, यानी कि दाएं नलाई में आ जाएगी। तो दाएं नलाई इसको क्या करेगा, नलका क्या काम होता है, पंप करना, तो इसको ये पंप करेगा। जैसे ये पंप करेगा तो यहां से क्या होगा कि जैसे कि ये पंप करेगा तो यहां से देखिएगा यहां पे ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी क्या है, यानी कि ये क्या है, बल्ब है। कौन सा बल्ब है, हमने इसी को बताया था, देखो पल्मोनरी है ना, तो पल्मोनरी बल्ब है, क्या है, पल्मोनरी बल्ब। तो पल्मोनरी बल्ब से होके हुए जाएगा, जैसे ये पंप करेगा तो पल्मोनरी बल्ब क्या होगा, खुलेगा और ब्लड में से सर मतलब रफ्तार से आगे चला जाएगा, और पल्मोनरी यानी कि यह कहां जाएगा, फेफड़ों में आएगा। अब यह शुद्ध उधर है, अब ये फेफड़ों में पहुंच गया, शुद्ध हो गया, हो गया ना, शुद्ध होते हुए ये कहां आएगा, पल्मोनरी वेंस यानी कि फुसफुस स्रावों से होते हुए कहां आएगा, अपने कहां आएगा, जी अपने आएगा लेफ्ट एट्रियम यानी कि बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से फिर अपने यहां से ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए कहां आ जाएगा, लेफ्ट यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं नलाई में आ जाएगा। बाएं नलाई इसको क्या करेगा, पंप करेगा, पंप करते हुए यहां फिर से यहां से बॉडी में से यहां से एरोटा यानी महाधमनी में से होते हुए चला जाएगा कहां पे, पूरी बॉडी में, और इसको पूरी बॉडी से भ्रमण करते हुए आएगा तो ये फिर से अशुद्ध हो जाएगा, फिर से अशुद्ध हो जाएगा यानी कि फिर से ये महासरा में आएगा, हार्ट में आएगा, फिर इसको पंप करेंगे, फिर यहां पे ये मान लो वहां पे आएगा कहां पे, फुसफुस में जाएगा, फिर शुद्ध होगा, फिर यहां से होते हुए आएगा, यही इसकी क्रियाविधि चलती रहती है। अब पूरी बॉडी में से होके आ रहा है तो अशुद्ध तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए ये तो इसके बारे में थी, अब इसमें देखिएगा जो आपको बीच में ये दिख रही होगी जो इसको लेफ्ट और राइट को बांटती है, देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट को बांटती है इसको क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। जो आपको ये बीच में दिख रही होगी जो राइट और लेफ्ट को बांटती है उसको कहते हैं क्या, सेप्टम। ये एक जो भित्ती है बीच में जो बांट रही है उसको कहते हैं सेप्टम, और इसकी जो भित्तियों के नाम आपको देख ही चुके होंगे कि जो अंदर वाली भित्ती है एंडोकैंड्रियम, जो बीच की है उसको मीजो, और जो बाहरी है उसको एपिकार्डियम। कार्डियम मतलब भित्ती होती है, हृदय की परत वगैरह कार्डियम को ही कहते हैं। चलिए ये तो था इसके सबके बारे में, अब इसको आप एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, इसमें यहाँ पे एक जो राइट एट्रियम है यानी कि दाया का है अलिंद है, इसमें पाया जाता है एक मसल, इसको यहाँ पे देखिए थोड़ा आपको डार्क दिख रही होगी, यहाँ पे देखो दिख रही है ना, ये एक मसल पाया जाती है, इसको कहते हैं एसे नोड। एसे नोड को मतलब है साइनो एट्रियम नोड, यह एक मसल पाई जाती है। इस मसल का क्या काम होता है, यह इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है, क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करती है, जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक करंट बनाती है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट का क्या काम है, इसको ये पंप होता रहे, हृदय की पंपिंग चलती रहे, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट बनाती है। अब क्या होता है कि जो बहुत टाइम बाद इस क्या होती है, यह काम करती रहती है, कभी कभी यह खराब भी हो जाती है, किसी किसी के हृदय में यह खराब भी हो जाती है, तो ऐसे नोड की जगह पे अपन उसको हटा देते हैं, और इसकी जगह पे अपन एक कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित द्वारा एक मसल होती है जो अपन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है, उसको कहते हैं पेसमेकर। पेसमेकर यहाँ पे लगा देते हैं, ऐसे नोड की जगह पे हटा के पेसमेकर लगा देते हैं। पेसमेकर का काम यही होता है कि यह एक इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है, जिससे हृदय की जो पंपिंग है वो बनी रहे। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऐसे नोड है वो कहां होता है, तो अपन कह सकते हैं कि दाएं अलिंद यानी कि राइट एट्रियम में होता है। अगर ऐसे नोड खराब हो जाए तो इसके बाद अपन क्या यहाँ पे क्या लगाते हैं, तो अपन कहेंगे पेसमेकर। कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है पेसमेकर का क्या काम होता है, तो अपन को पता है कि इसका काम होता है इलेक्ट्रिक जनरेट करना, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना, जिससे कि हृदय पंपिंग करता रहे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अब बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन तो ये भी पूछा जाता है कि जो बाइक स्पिट बल्ब है वो कहां पाया जाता है, तो अपन कह सकते हैं कि जो राइट एट्रियम है उसमें पाया जाता है, यानी दाएं अलिंद में पाया जाता है। तो ऐसे अपन जो क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इनकी स्थिति फिगर के बारे में अगर आप समझ लीजिएगा, क्रियाविधि के बारे में, तो बहुत ही आसान है, सामान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, अब इसमें क्या होता है, अच्छा जो हृदय में जो सर्जरी होती है, जो हार्ट की सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। क्या कहते हैं, बाईपास सर्जरी। हृदय के दो टेस्ट भी होते हैं, एक ट्रेडमाइल टेस्ट और एक ईसीजी टेस्ट, जी अपन बाद में पढ़ेंगे, आपको बाद में बताएंगे ईसीजी और ट्रेडमाइल टेस्ट के बारे में। अच्छा, अपन को एक क्वेश्चन उठता है, जैसे कि जो हृदय है वो क्या है, 300-350 ग्राम का है, और पूरी बॉडी में ब्लड पाया जाता है 5 से 5.5 लीटर, तो ये पूरे 5.5 लीटर ब्लड को एकदम कैसे धर लेगा, इतना छोटा सा हृदय 300-350 ग्राम का, वो केवल मुश्किल से 50-60 ml या मान लो 300 ml, ज्यादा से ज्यादा 300 ml ही तो रख पाएगा वो, और जैसे यहां तो रख नहीं पाएगा, तो 5.5 या 5 लीटर यानी कि 5000 ml कैसे रख लेता होगा। अगर ये एकदम स्पीड से आएगा तो हृदय तो बड़ा होकर फट ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें इसकी मात्रा होती है कैसी, कि हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है,
और एक बार धड़कने में यह 70 ml ब्लड को लाता है। जो इसकी जो वेना कावा है वो एक बार जो इसमें ब्लड डालती है एक बार धड़कन में वो 70 ml होता है। कितना होता है? 70 ml होता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 बार धड़कता है 1 मिनट में और 70 ml एक बार धड़कन में ml कहलाता है, ब्लड लाता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 क्या जाएगा, यानी लगभग मान लीजिए 5 लीटर क्या आ गया अपना ब्लड आ गया। जब 5040 ml है, इसको लीटर में मान लीजिएगा तो 5 लीटर मान लीजिएगा लमसम में, तो 5 लीटर ब्लड को ऐसे ये क्या कर देता है, 1 मिनट में पूरा शुद्ध कर देता है। अब पूरा ब्लड शुद्ध हो चुका है, फिर बॉडी में से घूमते हुए आएगा तो अशुद्ध हो जाएगा, फिर यहां से वेनाकावा से आएगा, वेनाकावा फिर यहां पे लाएगी अपने राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर यहां से अपना पल्मोनरी वॉल्व से होती हुई जाएगी कहां पे, फुसफुस यानी फेफड़ों में आएगी, वहां से अपना ब्लड शुद्ध होगा। ब्लड शुद्ध होने के बाद फिर कहां पे आएगा, पल्मोनरी वीन्स यानी पल्मोनरी वीन्स से आएगा अपना लेफ्ट एट्रियम में, फिर ये ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर होता हुआ जाएगा कहां पे, एरोटा एरोटिक वॉल्व से होता हुआ जाएगा एरोटा यानी कि महाधमनी में, और महाधमनी इसको ले जाएगी कहां पे, पूरी बॉडी में। अब पूरी बॉडी में ब्लड फिर से फैल चुका है, पूरी ब्लड बॉडी में घूमता रहेगा, फिर अशुद्ध होगा, फिर यहां से वेना कावा से होता हुआ जाएगा महासिरा से, तो ये इसकी पूरी प्रोसेस है। तो अपन इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, वे पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि जो अपना एरोटिक है, एरोटा, एरोटा जो महाधमनी है उसमें वॉल्व पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, तो एरोटा से एरोटिक वॉल्व होता है कि नहीं होता है। कभी कभी तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मछलियों में कितने चैम्बर होते हैं, तो 2 होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवाचरों में जो सरीसृप और ओवाचर होते हैं उनमें निलयों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें निलय केवल एक ही होता है, 2 क्या होते हैं, अलिंद होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक यह है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों का शेयर करें एंड मेरे या आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।